हर साल लोहड़ी का त्योहार जनवरी की 13 तारीख को मनाया जाता है। उत्तरी भारत में लोहड़ी साल के पहले त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी की धूम सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है, क्योंकि ये पंजाबियों का मुख्य त्योहार है। लोहड़ी के दिन अग्नि में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है। इस दिन अग्नि के चारों ओर नव विवाहित जोड़ा आहुति देते हुए चक्कर लगाकर अपनी सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करते हैं। कई सालों पहले फसल की बुआई और उसकी कटाई से इस त्योहार को जोड़कर मनाने की शुरुआत हुई। इस उत्सव पर पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा है। अलाव जलाकर इसके आसपास लोग नाचते हैं। आज भी शादी या बच्चे के जन्म के बाद इस त्योहार को विशेष तरीके से मनाया जाता है। इस दिन चौराहों पर लोहड़ी जलाई जाती है। इस दिन लड़के आग के पास भंगड़ा करते हैं, वहीं लड़कियां और महिलाएं गिद्दा करती हैं। सभी रिश्तेदार एक साथ मिलकर डांस करते हुए बहुत धूमधाम से लोहड़ी का जश्न मनाते हैं। इस दिन तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली का भी खास महत्व होता है। कई जगहों पर लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा दक्ष की पुत्री सती की याद में आग को जलाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, लेकिन इसमें अपने दामाद शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। इस बात से नाराज होकर सती अपने पिता के पास जवाब लेने पहुंची। वहां पति शिव की निंदा वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को उसी यज्ञ में भस्म कर दिया। सती की मृत्यु का समाचार सुन भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर उसके द्वारा यज्ञ का विध्वंस करा दिया। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमन शर्मा, पंजाब केसरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।